हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले कि हम अपनी फैक्ट्री में बैट को कैसे बनाते हैं। तो जबकि बैट देख ही रहे हैं आप कितने ब्यूटीफुल बैट्स हैं, और इसको भी प्रोफेशनली एक अच्छी वेल ट्रेंड जो आर्टिशंस हैं उनके द्वारा इसको बनाया जाता है हमारी फैक्ट्री पर। सो मेनली जैसे आप जानते हैं, इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो वुड को मेनली यूज होता है, क्लेफ्ट को और लकड़ी को यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। तो प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करें तो इंग्लिश विलो बैट का ही यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये क्लेफ्ट को कटिंग की जाती है, तो इसमें पहले डिसाइड किया जाता है इसका टॉप एरिया क्या रखना है या बॉटम एरिया क्या रखना है। तो फिर उसके हिसाब से इसको कटिंग करा जाता है। उसके बाद में इसके सरफेस को थोड़ा सा रब किया जाता है, थोड़ा स्मूथ किया जाता है, एक तरह से प्लेन किया जाता है पूरा इसके सरफेस को, जहाँ से बैट बॉल को हिटिंग के लिए एरिया होता है। उसके बाद में इसको एक वी शेप दी जाती है, जो टॉप एरिया हैंडल का एरिया डिसाइड किया जाता है इस क्लेफ्ट का, तो उसको वी शेप दे के उसमें हैंडल पेस्ट करके उसको सुखाने के लिए रखा जाता है 20 से 24 घंटा। उसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं पीछे से इसको शेप दी जाती है, पीछे जो है प्रोफाइल होती है उसमें मिड टू लो उस हिसाब से पीछे जो स्पाइन के नीचे उसकी कटिंग की जाती है शेप की, और साइड से और पीछे से उसको पूरी तरह से रब किया जाता है ताकि एक प्रॉपर उसको शेप दी जाए, जैसे जो भी कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड होता है एज पर प्रोफाइल। और उसको तैयार करने के बाद में फिर इसको बफिंग की जाती है, जैसे आप देख रहे हैं बफिंग में इस बैट को काफ़ी मतलब चमकाया जाता है एक तरह से, ताकि एक अच्छा बैट दिखे और इसको स्मूथ भी रहे, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर की जाती है इसके लिए। और उसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं फिनिश होने के बाद में ये किस तरह से बैट निकल के आता है, और ये जो देख रहे हैं आप एक मिड टू लो प्रोफाइल बैट है, थोड़ा सा हाई स्पाइन और काफ़ी सारे ग्रेन्स इसमें देखने को आपको मिल रहे हैं। तो एक प्रॉपर एक बहुत ही अच्छा बैट है। तो इस तरह से हम बनाते हैं, और ये स्टिकरिंग प्रोसेस है, बनने के बाद में फिर हम अपने स्टिकर पेस्ट करते हैं इस पर। और आप पिंग देख सकते हैं बैट का। थैंक यू।